YouTube चैनल सुशील पूर्ति में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों चलिए आज हम सीखते हैं किचन में किस प्रकार से हम बादाम की चटनी बनाएंगे। जी हाँ दोस्तों, बादाम की चटनी। और इस कार्य में हमारा सहयोग करने के लिए हमारे पास हमारे शेफ संजय कुमार दास मौजूद हैं। तो चलिए हम लोग उनसे सीखते हैं किस प्रकार से हम किचन में बादाम की चटनी बनाएंगे। स्टार्ट। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं संजय कुमार दास आपको सुशील्स किचन में स्वागत करता हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं एक नया डिश जो बहुत ही छोटी सी है लेकिन भरपूर स्वादिष्ट और हेल्दी है, वो है बादाम की चटनी। बादाम की चटनी के लिए पहले तो हम कच्चे बादाम लेंगे जिसे हम तेल में फ्राई करेंगे। दूसरा है सूखा मिर्चा और कच्चे मिर्ची, दोनों को थोड़े थोड़े मात्रा में जितना आपको ज़रूरत है उस मात्रा में लेके तेल में फ्राई कर लेंगे। उसके बाद है नमक स्वाद अनुसार। उसके बाद है टमाटर, टमाटर को हम छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। फिर थोड़े से कटे हुए प्याज और कटे हुए लहसुन, ये सारे इंग्रेडिएंट्स लेकर हम मिक्सी में पेस्ट करेंगे। तो चलिए शुभारंभ करते हैं। आप इस बादाम की चटनी को एक बार बना के 2-3 दिन इस्तेमाल कर ही सकते हैं, ये ना खराब होती है ना कुछ और। बस इसे बनाएं, बना के फ्रिज में डाल दीजिए और जब इच्छा जरूरत के हिसाब से निकाल के अपने और अपने परिवार को दीजिए। चलिए फ्रेंड्स हम इसे पेस्ट करते हैं। फ्रेंड्स हम अपने इस चटनी में थोड़े से सरसों का तेल मिलाएंगे जिससे इस चटनी का स्वाद बढ़ जाएगी, और हल्की मात्रा में पानी। बादाम का चटनी तैयार हो चुकी है, ठीक है। ये देखिए, इसे आप रोटी चावल किसी के साथ भी खा सकते हैं, यहाँ तक कि नाश्ते में अगर समोसे इडली खाते हैं तो उसके साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने भी खाइए, अपने को भी खिलाइए और दोस्तों को भी खिलाइए। जो भी आते हैं सब आपके नाम करते जाएंगे, अपनी उंगली चाटेंगे और आपका नाम करेंगे।